यहाँ तो हमारा होटल, हम पिछली बार इधर ही रहे थे। अरे वाह, ये तो बढ़िया जगह आ गया है। बढ़िया जगह है ये तो, समझ गया। ये अच्छा किया आपने गाइस, दिस इज ओल्ड मनाली। पिछली बार जब हम लोग आए थे हमने होटल अपना यहाँ पर ही लिया था, और नीचे है ब्यास नदी। अभी हम लोग आई थिंक जाने वाले हैं, बट इधर से रास्ता कहाँ है? आशा चलो चलो आराम चलो। বসবে এখানে তো দোস্তো, আ গে হম লোক ওল্ড মনালি মে। এই যে জগে হ্যাঁ, ইয়াহ পে এক ফেমাস ব্রিজ হ্যায় ওল্ড মনালি কা পিছে। और जब लास्ट टाइम हम लोग रहने आए थे वो हमारा होटल उस तरफ था, तो मुझे वैसे याद था ये वाली जगह बहुत अच्छे से, और काफ़ी शांति है, सिर्फ पानी की आवाज़, लहरों की आवाज़। माँ कैमन लग जाए, मम्मी बता रही है जब हम छोटे थे, बहुत छोटे थे, मैं कितने साल का था, वन एंड हाफ, डेढ़ दो साल का था जब मैं फर्स्ट टाइम मनाली आया था, और बहुत साल पुरानी बात है। तो मम्मी वो वाली फोटो मिलती है तो वो भी हम वीडियो में ऐड कर देंगे। तो मम्मी वही बता रही है दैट हाँ, शी इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, उनको ये याद पड़ रहा है। तो ब्यूटी एट इट्स बेस्ट, नेचर एट इट्स बेस्ट। अब बस शांति से बस आवाज सुनो। अल्टीमेट ओके एवरीबॉडी, सो दिस इज़ ब्यास रिवर। अब मैंने अपना माइक लगा लिया है क्योंकि हाँ काफ़ी शोर होगा, तो पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी कि नहीं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं अभी, और हम लोग अभी इस कॉर्नर में बैठे हैं, और काफ़ी पीसफुल सा, मतलब ये नेचुरल थेरेपी है बेसिकली, क्योंकि ये आवाज़ आपको जो पानी की आवाज़ जो सुनने को मिल रही है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, और मतलब आप अच्छे से मतलब रिलैक्स कर सकते हो, रिजुविनेट कर सकते हो, और इसी के लिए ही बेसिकली हम लोग आए थे। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, मुझे लग रहा था दैट क्योंकि अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो क्या कहते हैं लेट ना हो जाए, मतलब होटल बहुत से क्योंकि आज हम काफ़ी घूमे हैं, मम्मी भी एकदम साथ, मम्मी भी मेरे साथ में, तो जिससे वो भी पैनिक ना करे, क्योंकि टायरिंग तो हो ही जाता है। सो बट हमारा होटल ठीक इस, ये जो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं इसके पीछे ही है, सो ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं अभी, खैर नहीं दिख रहा होगा, हाँ, बट ये वाली जो रोड है इसके पीछे ही हमारा होटल है, और यहाँ पे काफ़ी खाने पीने के मतलब ऐसे कैफ़ेज़ हैं, तो अच्छे से मतलब आप रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, मोस्टली होता क्या है, फैमिलीज़ प्रेफर करती हैं जो सिटी, जो न्यू मनाली वाला साइड है वहाँ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, और पहले वो आ जाता है और ओल्ड मनाली बाद। बट फिर भी मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा, अगर आप लोग होटल को कहीं इस एरिया के आसपास अगर ढूंढ सकते हो ओल्ड मनाली में, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत ही मस्त मस्त कैफ़ेज़ हैं, रिवर साइड कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, चिल कर सकते हो, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और मेरी मम्मा भी मेरी यहाँ पे वीडियो बना रही है। सो अब थोड़ी देर, मतलब रात के पहले तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे और अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ खाने पीने के बाद हम लोग वापस अपने होटल की तरफ हम रिट्रीट करेंगे।
सो फार काफ़ी मज़ा आया आज, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। पहले हम लोग गए हिडिम्बा टेम्पल, वहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम लोग गए मॉल रोड, मॉल रोड के बाद हम लोग मोनेस्ट्री गए, मोमोस खाए, वो तो मैंने आपको दिखाया था, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी था। और थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग करने के बाद, जलेबी वलेबी खाने के बाद, हम लोग फिर वापस हम लोग यहाँ पर आए और भाई को फुल मज़ा आ रहा है। हेलो सो आप देख सकते हो दैट लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है सबको। और अभी धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है, तो मैं अपनी जैकेट अभी लगाने वाला हूँ। और एंड बिफोर इट गेट्स कम्प्लीटली डार्क, हम लोग फिर अपने होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि रात को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा नहीं, और सिर्फ हम दो ही लोग हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी आप लोग देख सकते हो दैट रिवर साइड ऐसे ऐसे पत्थर हैं जहाँ पे आप लोग बैठ के, बट ज़्यादा एडवेंचरस आई थिंक नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना ये सुंदर लगता है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी रिस्की, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा होता है, अभी मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बहुत ज़ोर से बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं ज़ोर से अगर चीखूँ भी कोई सुन नहीं पाएगा आसपास, तो तभी थोड़ा हाँ रिस्की हो जाता है। तो देखो मैचो मैन भैया फुल अपने माउंटेन ड्यू अंदाज में। तो ये तो हुई फैमिली की बात, दैट अगर फैमिली के साथ आ रहे हो, प्रेफरेबली आपको मतलब, क्योंकि मतलब मैंने, मेरी बस ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं मनाली पहले बहुत बार आ चुका हूँ, और हम लोग भी पहले उसी साइड रुकते थे। अभी भी जो हमारा होटल है वो एग्जैक्टली वो ओल्ड मनाली नहीं है, वो एकदम बीच में है, बट ये ब्रिज के बाद ये ओल्ड मनाली का एरिया सारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको फ़िश खानी हो, चिकन विकन खाना हो, मतलब अगर नॉन वेजटेरियन लवर हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आपको कैफ़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, मोमोज और टिबेटिन्स, तो सब टाइप मतलब हर एक चीज़ मिल जाएगी। और फैमिलीज़ इस साइड में वैसे मैंने मतलब कम दिखते हैं, तो तभी मैं मतलब मेरा एडवाइस ये होगा दैट हाँ, इस साइड में आपको नेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉल रोड साइड में काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं क्यों खाना हो, तो मम्मी को भी साथ में चिंता होती रहती है, तो वो मुझे उस साइड में बैठने नहीं दे रही। अब हाँ शांति से मैं बात करता हूँ। तो अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हैं, ये ठीक ब्रिज के, जैसे आप ब्रिज को क्रॉस करते हो, तो ये शुरू में ही है, हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी साथ में है, मतलब मैं ज़्यादा चांसेस नहीं लेना चाहता, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे ना यूजुअली कपल्स और यू नो फ्रेंड्स या ग्रुप, बड़ा जो ग्रुप होता है वो लोग ज़्यादा, मतलब यंगस्टर्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, वो लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं फॉर ऑल दी पॉसिबल रीजन्स, क्योंकि यहाँ पे नशा वशा बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये ओल्ड मनाली काफ़ी फेमस है ये सब चीज़ों के लिए। तो क्योंकि अभी जब मैं आ रहा था, मतलब इतना एम्बेरसिंग हो जा रहा था, लोग ना आके कान में आके बोलते हैश चाहिए, मतलब चरस, कितनी बार, मतलब तीन चार लोगों ने आके, मतलब एकदम कान में आके, एकदम भीड़ में आप जा रहे हो और आके आपके कान में ऐसे बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने मतलब अभी इनकाउंटर किया, तो हाँ थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है जब आप देख रहे हो मम्मी के साथ, उन लोगों को भी पता है, मैं बट बिंदास ये सब चलता है। खैर ये पर्सनल चॉइस है जो भी है। खैर ओल्ड मनाली में मतलब हाँ आपको यंगस्टर्स और क्या कहते हैं मतलब नशा करने वाले लोग ज़्यादा मिल जाएंगे, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हाँ आपको बेयरली आप इनकाउंटर करोगे, आपको वो सब चीज़ें में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो हो सकता है दैट हाँ मे बी आपका भी बड़ा ग्रुप हो, तो ये सब चीज़ें मतलब आप इग्नोर कर दोगे। तो हाँ आप आओ रिवर साइड आओ, स्पेशली शाम के वक्त, क्योंकि दिन में धूप वूप होती है, तो पता नहीं मेरे को तब कैसा होगा एक्सपीरियंस, कल मे बी मैं ट्राई करूँगा, बट अभी शाम के ऑलमोस्ट 6:30 हो रहे, और अभी का जो यहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी पीसफुल है, और सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है। ठीक पीछे ये है रोड, ये जो भी है मतलब ओल्ड मनाली वाली, और यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स ये सब चीज़ें। खैर अभी जब हम यहाँ से निकलेंगे, मैं ट्राई करूँगा, देखता हूँ अगर यहाँ पे कुछ अच्छा अगर मिलता हो, आई एम श्योर मिल जाएगा। और बेस्ट चीज़ क्या लग रही है, यहाँ पे चिड़िया भी आ रही है पानी में, मतलब वो खेल रहे हैं, ये बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर बैठ रहे हैं, गिल देखो, अगर पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, रुको मैं जूम करके देखता हूँ। ये देखो एक छोटी सी चिड़िया यहाँ पर बैठी हुई है,
फुल अपना इंजॉय। सो नेचर एट इट्स बेस्ट, यही चीज़ मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था, तभी हम यहाँ पर आए हैं। मनाली की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, मतलब मैं बचपन से बहुत बार आ चुका हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले मम्मी ने भी बताया था। मनाली मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि मतलब आप बोर नहीं हो गए, एटलीस्ट मैं तो नहीं हुआ हूँ, बिकॉज़ यहाँ का जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, मतलब आपको इतना अच्छा लगेगा। और यहाँ पे वेदर ना हमेशा ठंडा ही रहता है, क्योंकि अभी मई महीना चल रहा है, मई महीने में अभी, क्योंकि अगर आप हिल स्टेशन जब जाते हो, ये मैं देख रहा था वेदर में, वेदर ऐप में था टेम्परेचर कैसा है, शिमला में गर्मी दिखा रहा था, उत्तराखंड साइड में भी, बहुत सारे जो मेन टूरिस्टी प्लेसेस हैं मोस्टली हर जगह में गर्मी है, तो दिल्ली में 44 चल रहा है और ये सब जगहों में भी ऑलमोस्ट 25-30 प्लस है। वेरे जब आप मनाली आ रहे हो, कल रात को टेम्परेचर 8-9 चला गया था और अभी शाम का वक्त है, अभी टेम्परेचर अराउंड कितना है, 16 है, तो और क्या चाहिए आपको। सो इसी वजह से मैंने सोचा नहीं मनाली आए, मैंने बहुत दिनों से मतलब प्लान करके रखा था, हर बार कैंसिल हो जा रहा था, एंड फाइनली वी कुड मेक इट हियर। 2011 में हम लोग लेह लद्दाख गए थे और हम वाया मनाली गए थे, और उस टाइम लद्दाख इतना पॉपुलर था भी नहीं, लोग इतना नहीं जाते थे। खैर लद्दाख की सीरीज जब मैं बनाऊंगा उसमें डिटेल में अपने पिछले ट्रिप के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। वेरेज चलो थोड़ा सा किस्सा मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो हम लोग 2011 में जब गए थे तो मनाली हम लोग एक दिन रहे थे और नेक्स्ट डे ही हम लोग निकल गए थे, एंड रोहतांग पास को पार करना होता है। नेक्स्ट डे मतलब बहुत बारिश हो रही थी और हम लोग रोहतांग पास में हमने एक रात गुजारी, तो मनाली उस टाइम भी रह गया। नेक्स्ट ईयर मैं फिर आया था, मैं अपने मामा जी और कज़न बहन के साथ आया था, तो तब भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया था। फिर हम लोग 2015 में आए थे और तब हम लोग जो होटल हमने चूज़ किया था वो इस साइड में था, इसके पीछे जो मैं आपको बता रहा था। सो वही दो तीन दिन जो हमने स्पेंड किया था 2015 में, मतलब लिटरली मेरा मन तो नहीं भरा था, तो मैं जब भी किसी को बोलता था कि नहीं मनाली चलो मनाली, तो सब यही बोलते थे अरे यार एक ही जगह क्यों जाना बार 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 बार। बट अब बहुत अच्छा लग रहा है दैट ये सब चीज़ें मैं अब फाइनली शेयर कर पा रहा हूँ, वी कुड मेक इट हियर। आज हमारा यहाँ पे सेकेंड डे है और मम्मी के साथ मैं यहाँ पे आ पाया तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिर्फ हम दो ही ट्रैवल कर रहे हैं, आप सब ने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, क्योंकि मम्मी के साथ ही मैं ट्रैवल करता हूँ और मम्मी भी बहुत एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, उनको भी घूमना बहुत पसंद है। और ऐसे नेचर वाले जगह में अगर आप आते हो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो तो मतलब एकदम चेरी ऑन टॉप, मतलब मज़ा आ जाता है। तो खैर अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे ऐसे ही रिलैक्स करते हैं और आधा एक घंटे में आई थिंक अंधेरा हो जाएगा, तो थोड़ी देर यहाँ पे अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, मेंटल थेरेपी भी अच्छे से आपकी यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि सिटी में इतना हसल बसल रहता है और यहाँ पे आपको लिटरली मतलब अपने लाइफ के बारे में भूल ही जाओगे दैट इसके बियॉन्ड और क्या है। बट हाँ चलो ऐसा नहीं है दैट हाँ वो वाली लाइफ भी कम्प्लीटली भूल जाए, वो भी मतलब एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो कभी कभार ऐसी जगहों में आना चाहिए आपको, ये थेरेपी लेके वापस आई थिंक अपने जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है उसको आपको उस पर आ जाना चाहिए, रिज्यूम कर लेना चाहिए। तो चलिए बहुत बकबक हो गई है, यही था मुझे आपको मतलब मैं आप दिखाना चाह रहा था ये पूरी रिवर, तो खैर आगे से कहाँ कहाँ जा रही होगी वो मुझे नहीं मालूम, बट ये मनाली से कुल्लू साइड और पूरा हिमाचल या जहाँ जहाँ वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल में जाती है, तो यहाँ पे पानी का करंट काफ़ी तेज़ है। आगे तो खैर राफ्टिंग भी करते हैं, तो वो सब एरिया आगे का तो मुझे नहीं लगता हम लोग वो एक्सप्लोर करेंगे इस टाइम, नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कभी कोई बड़ा ग्रुप आता है तो मे बी वो सब साइड भी हम देखेंगे। तो एनीवे इन शॉर्ट मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग अभी मनाली आते हो मेक श्योर ओल्ड मनाली ज़रूर आना, शाम का टाइम रिवर साइड बैठना बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुकून मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, अब इसके बाद जब हम जाएंगे मे बी कुछ खाने पीने कैफ़े, तो वो सब मैं आपको फिर दिखाता हूँ। चलिए गाइस आप भी अब इन्जॉय कीजिए इस व्यू को।
पढ़िए यहाँ पे ये डिस्क्लेमर, चेतावनी, नदी का बहाव बहुत तेज है, कृपया नदी के नजदीक ना जाए, जानलेवा हो सकता। तो मम्मी याद है पहले उस साइड में हमने होटल लिया था? चलो उतनी आगे नहीं जाएंगे क्योंकि वापस फिर हमें ही चढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फिर यहाँ से निकलते हैं, मुझे लग रहा है क्या खाए कुछ, देख लेते हैं। चलो